हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने कल किया था रजिस्टर्स इन सीरीज, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। नाउ लेट अस कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री रजिस्टर्स जॉइंड इन पैरेलल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और अ बैटरी एज शोन इन फिगर 12.7। सो 12.7 अगर हम ना देख के 12.10 देख लें तो ये भी वही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, रजिस्टर 1, 2 एंड 3 इसको हमने पैरेलल कनेक्शन दिया है, साथ में हमने लगा दिया वोल्ट मीटर और ये जो पूरा का पूरा सर्किट है इसके साथ हमने एमीटर लगा दिया है एंड की बटन हमने प्रेस कर दिया है। सो मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई ऑफ थ्री रेजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड विद अ बैटरी, अ प्लग की एंड एन एमीटर एज शोन इन फिगर 12.10। ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। Plug the key and note the emitter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across the individual resistors. तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि हमने जो एमीटर है उससे हमने पूरे के पूरे सर्किट का करंट चेक किया है तो वो हमारे पास आया है आई, ठीक है आई। लेकिन अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर अगर हम किसी भी रेजिस्टर पे लगा रहे हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो वी ही आ रही है, वो V1, V2 या फिर V3 नहीं आ रही है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अभी आपने पढ़ा था जो हमारा सीरीज वाला पार्ट था उसमें आपने पढ़ा था कि सीरीज में वोल्टेज जो होती है वो वेरी करती है लेकिन जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो आपका आई है, जो यहां से आपका आई आया है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा I1 में, I2 में और I3 में, ठीक है I1, I2 एंड I3 में अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका वोल्ट मीटर है वो हमेशा जो वैल्यू शो करेगा वो V ही करेगा, वो V1, V2 या V3 नहीं करेगा। दैट मीन्स के पैरेलल कनेक्शन में V कांस्टेंट होता है और I वेरी करता है। टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द एमीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टर R1 एज शोन इन फिगर 12.11, नोट द एमीटर रीडिंग I1। अब फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो वोल्ट मीटर है और जो एमीटर है वो इंडिविजुअल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करके देखना है और देखना है कि जो उनकी वैल्यूज है वो क्या आती हैं। सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 एंड R3, लेट दीज बी I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2 एंड I3। तो इन सभी के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो आपको पता लगेगा अभी जब हम करने वाले हैं थ्योरम ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंसेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन है पैरेलल की और ये एक बेसिक डेरिवेशन है, आपके स्कूल में इसे एडवांस करवाएंगे या हो सकता है कि यही करवाएं, वो हम आपके स्कूल ओपनिंग में देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम बेसिक जो पैरेलल की डेरिवेशन है वो करने वाले हैं। So it is observed that the total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination. अभी हमने यहाँ पे एक्टिविटी में पढ़ा था कि रिलेशनशिप क्या है I, I1, I2 एंड I3 के बीच में। तो इनके बीच में रिलेशनशिप ये है कि जो टोटल करंट ऑफ द रेजिस्टेंस है इट इज द सम ऑफ ऑल अदर सेपरेट करंट्स, ठीक है। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। Let RP be the equivalent resistance of the parallel combination of the resistors by applying Ohm's law to the parallel combination of the resistors we have. I is equal to V upon RP. आपको पता ही है कि formula है हमारे पास V is equal to IR. तो अगर हमें I की value निकालनी तो हम क्या करेंगे, V upon RP. RP क्या है, resistance in parallel. जैसे कि हम लोगों ने कल किया था resistor in series. तो वो था RS, सेम वेज रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी RP। सो I इज इक्वल टू V अपॉन RP ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेजिस्टर, ठीक है। ये तो था आपका पूरे के पूरे सर्किट का, अब हम निकाल रहे हैं पूरे के पूरे अब हम निकाल रहे हैं ईच रेजिस्टर का। तो ईच रेजिस्टर में क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1,
I2 इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू एंड I3 इज इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये इक्वेशन जो है ये इसमें पुट कर देनी है। I की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वी अपॉन आर पी, तो हमने क्या लिख दिया, वी अपॉन आर पी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें करना क्या है, हमें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो I की जो वैल्यू है इट इज वी अपॉन आर पी, तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, वी अपॉन आर पी। I1 की जगह हमने क्या लिख दिया है, वी अपॉन आर वन। I2 की जगह वी अपॉन आर टू एंड I3 की जगह वी अपॉन आर थ्री। ये मैंने यहां से लिया, ये इक्वेशन यहां से ली गई है। ओके, सो जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने ये सारी की सारी वैल्यूज पुट की, हमारे जो V है वो कॉमन निकल गए और V की जगह पे आ गया 1। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या है कि जो ईच रेजिस्टर का रेसिप्रोकल सम होगा वो हमारा होगा पैरेलल इन रेजिस्टेंस। So, thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistances joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. Yani ki 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है, तो 1 upon Rp जो है वो reciprocal है each resistances का। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने देखा था कि जो सीरीज सर्किट है उसमें जो करंट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। दस इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी जो वॉटेज होती है, जो उसकी एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत कम है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो हीट एमिट करता है और उसकी जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम इन दोनों चीजों को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, मान लेते हैं कि यहां पे हमने लगाया है बल्ब और यहां पे है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर। अब जो करंट है वो तो कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो करंट की कंजम्पशन होगी इन दोनों की वो तो डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई भी एक जो अप्लायंस है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे हमने लगाया बल्ब, यहां पे हमने लगाया हीटर और यहां पे हमने लगा दिया गीजर, तो क्या होगा कि जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास I1, ये हो जाएगा हमारे पास I2 और ये हो जाएगा I3। हमें पता है कि जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं उसमें वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है, तो वोल्टेज इनको सेम मिलती रहेगी, करंट इनके डिफरेंट डिफरेंट आएंगे और उसकी वजह से जो अप्लायंसेज हैं वो अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं या जो हमारे इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज होते हैं उन सभी की जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम करंट कंजम्पशन की बात करते हैं तो वो सभी की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट करंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऐसे में जो अप्लायंसेज है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। सो सीरीज कनेक्शन जो है वो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस को यूज करना होता है अपने घर में एंड वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट्स को कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से हम घरों में सीरीज कनेक्शन नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन को नहीं लगाते हैं, पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं। ओके, another major disadvantage of a series circuit is that one component fails the circuit is broken and none of the components work. ek aur jo loss hai hamara series circuit ka wo ye ki agar R1 chalna band ho gaya to ye jo circuit hai ye incomplete ho jayega agar ye fuse ho gaya maan lete hain, theek hai, to ye jo pura ka pura circuit hai ye incomplete ho jayega aur fir ye bhi chalna band ho jayega। लेकिन अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो अगर R1 जो है उसका फ्यूज उड़ गया तो भी कोई बात नहीं,
ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है, ये वाला जो आपका अप्लायंस है, इसको तब भी 220 वोल्ट मिलता रहेगा और इसमें से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ होता रहेगा। सो बेसिकली जो डिफरेंस है वो क्या है, इसका एक ही स्विच होता है पूरे के पूरे सर्किट का, एंड पैरेलल में हर एक रेजिस्टर का अपना अपना एक इंडिविजुअल स्विच होता है। इसी वजह से हम अपने घर में लाइट को ऑन करते हैं, फैन को ऑफ कर देते हैं, या फैन को ऑन कर देते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन सीरीज में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। इफ यू हैव यूज फेरी लाइट्स, फेरी लाइट्स यानी कि जो कि आपके घरों में दिवाली में जो लाइट्स हैं वो लगती हैं, तो यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रीशियन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेटिंग एंड प्लेसिंग द डेड बल्ब। ईच हैज टू बी टेस्टेड टू फाइंड विच हैज फ्यूज और गॉन। ऑन द अदर हैंड, अ पैरल सर्किट डिवाइड्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारे घरों में जो दिवाली वाली लाइट लगती है, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, तो अगर एक भी बल्ब चलना बंद हुआ तो पूरी की पूरी जो लाइटें हैं वो जलनी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से उसका जो कनेक्शन है वो भी पैरेलल में किया जाता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज एज पर द इक्वेशन 12.18, एंड दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्स डिफरेंट करंट टू ऑपरेट। हमें पता है कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 में क्या होगा, अब ये रेसिप्रोकल हो रहा है, तो ऐसे में जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कम हो जाएंगे। हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो RS होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है R1 या R2 या R3 से, ठीक है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन R1 और R2 और R3, व्हाटएवर यू से, ठीक है। सो RP जो है उसकी वैल्यू हमेशा अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम होगी, और RS की जो वैल्यू है वो हमेशा अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।